हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंग्लिश में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक, सबसे पहले समझते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस का मतलब होता है किसी बात को कहने का दूसरा तरीका। ठीक है, सेंटेंस से समझते हैं। जैसे मैंने बोला, सीता खाना बनाती है। यहाँ पर देखिए, पूरा फोकस किस पे किया जा रहा है? सीता पर। तो ये क्या हो गया? हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक, जब हम सेंटेंस में फोकस किस पे करते हैं? सब्जेक्ट पर, वो होता है हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, खाना बनाया जाता है सीता के द्वारा। तो ये क्या हो गया? हमारा पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पर हमने फोकस किस पे किया है? खाने पर। खाना किसके द्वारा बनाया जाता है? सीता के द्वारा। ठीक है, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्लियर हुआ। अब देखिए, क्या हमें एक्टिव वॉइस फिर से पढ़ने हैं? नहीं, हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोस में टेंसेस को कवर किया था। टेंसेस ही हमारे एक्टिव वॉइस होती है, यानी कि आप एक्टिव वॉइस अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम लोगों को सीखना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है? एक बहुत अच्छी चीज ये है कि जैसे हम टेंसेस में देखा था हमने, कहीं पर वर्ब में आईएनजी यूज हो रहा था, कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं पर सेकंड फॉर्म, कहीं पर थर्ड फॉर्म। वॉइस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसिव में क्या होता है? सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हर टेंस में यूज होती है। क्लियर? हमारे टोटल टेंसेस होते हैं वो कितने होते हैं? 12 टाइप्स के। लेकिन जो हमारे पैसिव होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। देखिए, हमारे जो टेंसेस होते हैं वो इंडेफिनेट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। और मेन क्या होते हैं हमारे? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टोटल कितने हो गए? 12। तो क्या होगा, जितने भी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं उनकी पैसिव नहीं बनाई जाती। तो 3 टेंस तो हमारे ये कम हो गए। और जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है उसकी भी पैसिव नहीं बनाई जाती। 12 - 4 कितने बचे? 8। तो हमारी जो पैसिव वॉइस होती है वो कितने टेंस की बनाई जाती है? 8 टेंस की। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हर जगह यूज होगी। इस वीडियो में मैं आपको पैसिव को पहचानने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी। ठीक है, शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को एक्टिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में पहचान क्या होती है इसकी? जाता है, जाती है, जाते हैं, ये पहचान होती है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हमारी डू और डज। अब यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर क्या होता था एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ईएस कब आता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो एस और ईएस नहीं आता। अब बात आती है पैसिव की। पैसिव में हम किस पर फोकस करते हैं? ऑब्जेक्ट पर। और जो हमारा एक्टिव होता है उसमें किस पर फोकस करते हैं? हम सब्जेक्ट पर। अब जब हम पैसिव वॉइस में फोकस किस पे कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट पहले आएगा। जैसे हमने सेंटेंस लिया था, सीता खाना बनाती है, राइट? तो देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो इसीलिए क्या आ जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वही यहाँ पे आके सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक, फिर यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। ठीक, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आएगा हमारा बाय। अब क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या काम करेगा? हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर क्यों लगाई? अब इसे ऐसे देखिए, जो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं वो 8 होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सभी पैसिव वॉइस में क्या होगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब अगर सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है? तो उन टेंसेस को पहचानने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है पैसिव वॉइस में, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? इज एम आर। समझ में आया? थोड़ा सा हम सेंटेंसेस से देख लेते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। मोहन राइट्स अ लेटर। तो यहां पर देखिए, मोहन क्या है हमारा? सब्जेक्ट। ठीक, राइट्स क्या है हमारी? मेन वर्ब। और अ लेटर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक,
सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और सब्जेक्ट पर ही फोकस किया जा रहा है, तो ये क्या है हमारा एक्टिव वॉइस। अब हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज करना है। तो आ लेटर हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा सब्जेक्ट बन के, आ लेटर। अब देखिए इस किसके साथ आता है हमारा सिंगुलर के साथ, आर किसके साथ आता है हमारा प्लूरल के साथ, और एम किसके साथ आता है आई के साथ। ठीक, यहां पर क्या है आ लेटर, एक ही लेटर है, जब हमारा सिंगुलर है तो क्या आएगा इज, आ लेटर इज। राइट से, राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, और थर्ड फॉर्म रिटन, यहां पर क्या आएगी थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। क्लियर, द बॉय फ्लाइज अ काइट, यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा बॉय, फ्लाइज क्या है हमारी मेन वर्ब, और काइट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। वही अब ये जो ऑब्जेक्ट है शुरू में उठ के आ जाएगा, अब भाई इसे खींच के तो लाना पड़ेगा ना हमें शुरू में, जब इसे हमें सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आ काइट, काइट भी एक ही है इज। अब फ्लाई की बताइए, अब फ्लाई की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, सेकेंड फॉर्म फ्लू, और थर्ड फॉर्म फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन। ठीक, अ काइट इज फ्लोन बाय, अब देखिए जो हमारा द बॉय है, द बॉय क्या था हमारा सब्जेक्ट, लेकिन अब इसे क्या बनाना है हमें ऑब्जेक्ट, तो फिर से इसे धक्का मार के हमें पीछे लेके जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बाय द बॉय। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, अ काइट इज फ्लोन बाय द बॉय, एक्टिव क्या था द बॉय फ्लाइज अ काइट, लड़का पतंग उड़ाता है, यहां पर क्या हो गया अ काइट इज फ्लोन बाय द बॉय, पतंग लड़के द्वारा उड़ाई जाती है, मीनिंग दोनों का सेम है लेकिन बात को कहने का तरीका बदल गया। क्लियर, आई रीड अ नोवल, अब देखिए बात यहां पर समझने वाली ज्यादा आएगी, यहां पर हमारा अ नोवल क्या है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, और रीड क्या है हमारी मेन वर्ब। अब देखिए हम इसे ऊपर आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा अ नोवल इज। अब एक चीज देखने वाली ये है कि जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जिस चीज को हमने सब्जेक्ट बनाया है अब उसी के अकॉर्डिंग आएगी, ये नहीं है कि यहां पर आई है तो यहां पर हम एम लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट अब ये बन गया है, तो जब जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अ नोवल इज, ये क्या है रीड, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है रीड, रेड, रेड, सिर्फ प्रोनंसिएशन चेंज होता है, जो हमारे स्पेलिंग है वो सेम रहती है। अ नोवल इज रेड बाय, अब देखिए आई, आई क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, मैं यहां पे आई लगा दूं, क्या ये ठीक होगा हमारा बताइए आप, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़े हैं, नहीं पढ़े कोई बात नहीं मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो क्या होता है इसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, प्रोनाउन के अंदर हमारी तीन चीजें होती हैं, एक होती है सब्जेक्टिव केस, एक होती है पजेसिव केस, और एक होती है हमारी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, अभी हम यहां पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट है जैसे हमारा आई, जब बात होगी सब्जेक्ट की तो क्या यूज होगा आई, लेकिन क्या होता है प्रोनाउन के अंदर जब आई होता है तो जो आई का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा मी, समझ आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा मी, तो क्या हो जाएगा अ नोवल इज रेड बाय मी, आई नहीं आएगा आई गलत हो जाएगा, समझ में आया। थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ, जैसे आपका सब्जेक्टिव केस है यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू ही होता है, जैसे आपका ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम। ठीक, अब आता है आपका शी, शी शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका हर। ठीक है, पजेसिव भी देख ही लेते हैं थोड़ा सा पहले, अभी एक रह गया देख लेते हैं, दे का क्या होता है हमारा देम। ठीक, आई, आई का पजेसिव होता है माय, पजेसिव मतलब एक तरीके से अधिकार, ये मेरा पेन है दिस इज माय पेन। ठीक है,
यू, यू का पजेसिव केस होता है आपका योर, ही का पजेसिव केस होता है आपका हिज, शी का पजेसिव केस होता है आपका हर, और दे का पजेसिव केस होता है आपका देयर। समझ आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में देखिए पहले एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आया कुछ? अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या चेंज है स्ट्रक्चर में, सिर्फ नॉट का। इसलिए ये कोई खतरनाक चीज नहीं है, जिस तरीके से हमारे बहुत ही आराम से अफर्मेटिव बन गया था उसी तरीके से हमारा नेगेटिव भी बन जाएगा। अब देखिए पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा शुरू में, ऑब्जेक्ट किसकी तरह काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। राम डज नॉट ड्रिंक वाटर। अब यहां पर आप देखिए वाटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट और राम क्या है हमारा सब्जेक्ट। हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ही अपना सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाटर पहले आ जाएगा। वाटर, वाटर सिंगुलर है तो इज नॉट। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ड्रंक। वाटर इज नॉट ड्रंक बाय राम। क्लियर? यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज नॉट। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, अ सिंग, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय यू। यहां पर यू ही क्यों आया, क्योंकि यू ही हमारा सब्जेक्टिव केस होता है और यू ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट पहले आ जाएगा, क्रिकेट इज नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दैम, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय दैम। अब हम लोगों को देखना है इंटरोगेटिव, क्या इंटरोगेटिव कोई बहुत बड़ी चीज है, नहीं, इंटरोगेटिव में सिर्फ क्या चेंज होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहां पर है वो उठ करके सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी। ठीक है, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव देखते हैं, इंटरोगेटिव देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या होगा, पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, सेम होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय, और सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। ठीक है, रूल देखते हैं, डज सोहन राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा यहां पर, डज, डज है तो हमारा क्या है, किसके लिए आया है डज हमारा, सोहन के लिए, सोहन क्या था हमारा यहां पर सिंगुलर। यहां पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहां पर हम सब्जेक्ट किसको बना रहे हैं, अ लेटर को, अ लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, इज अ लेटर, अब क्या आ जाएगा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, इज अ लेटर रिटन बाय सोहन, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, डू दे वॉश क्लोथ्स, तो यहां पे क्लोथ्स बहुत सारे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, आर क्लोथ्स वॉश्ड, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड बाय, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, दैम। ठीक, डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, डू किसके लिए आया, चिल्ड्रन के लिए, लेकिन जो हमारा क्रिकेट है वो क्या है, सिंगुलर, तो यहां क्या आएगा, इज क्रिकेट, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लेड बाय चिल्ड्रन। क्लियर, अब देखिए इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप,
क्या इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में कोई बहुत बड़ा चेंज होता है? नहीं। याद कीजिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सिर्फ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके पहले क्या लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड। सेम पैसिव वॉइस में भी वही होगा। यहीं पर देख लेते हैं क्या हुआ, डू डज इट, तो इससे पहले क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो ऐसे यहां पर आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, मैं लगा दूं डज सोहन राइट अ लेटर, मैं क्या लिख दूं, व्हाई डज सोहन राइट अ लेटर, सोहन पत्र क्यों लिखता है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी इसके पहले क्या आ जाएगा, व्हाई, व्हाई इज अ लेटर रिटन बाय सोहन, पत्र सोहन के द्वारा क्यों लिखा जाता है। समझ में आया? आगे के जो दो सेंटेंस है उनको आप लोग डबल इंटरोगेटिव में बनाइएगा और आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। ठीक है, देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है। सबसे पहले याद करते हैं जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसमें जो हमारा एक्टिव वॉइस है उसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर आती है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आती है। अब यहाँ पर क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमें आएगी नहीं, पता ही है क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर ही होगी। और क्या होगा, अब एक सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इज एम आर यहाँ पर भी यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो फिर पहचानेंगे कैसे, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें भी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर भी क्या है, इज एम आर है, और जो हमारी मेन वर्ब है वो भी थर्ड फॉर्म है, तो पहचानने के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, बींग। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस का रूल। यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, यू आर राइटिंग अ लेटर, ये सेंटेंस है हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अ लेटर, अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर इज बींग, ठीक, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, अ लेटर इज बींग रिटन बाय यू, क्लियर। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज बींग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग बाय सीता, क्लियर। अब इसी का नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो नॉट होगा वो हमारी हेल्पिंग वर्ब और जो बींग होगा उसके बीच में आएगा, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस नॉट प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं सेंटेंस, द विटनेस इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ, तो द ट्रूथ जो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द ट्रूथ इज नॉट, स्पीक के थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक, सेकेंड होती है स्पोक, और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, तो यहां क्या आ जाएगा, स्पोकन। वैसे एक मिनट, यहां पर पहले स्पोकन आएगा या पहले बींग आएगा, स्ट्रक्चर पर जाइए, पहले नॉट के बाद में क्या आ रहा है, बींग, तो यहां पर पहले क्या आएगा, बींग, इज नॉट बींग स्पोकन बाय द विटनेस, क्लियर, शी इज नॉट कंप्लीटिंग हर वर्क, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हर वर्क, तो क्या हो जाएगा, हर वर्क इज नॉट बींग, अब क्या है, कंप्लीटिंग,
कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटेड। तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड बाय। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा? हर। तो यहां क्या आ जाएगा? हर। हर वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड बाय हर। क्लियर? हमारा नेगेटिव कंप्लीट। अब इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है? हमारा एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आएगा हमारा इज एम आर, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आर दे ईटिंग एप्पल्स। सबसे पहले देखिए, एप्पल्स बहुत सारे हैं, यानी कि प्लूरल है। प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। तो क्या आ जाएगा? आर एप्पल्स बीइंग। अब है यहाँ पर ईटिंग। ईटिंग की फॉर्म्स क्या होती है? ईट, एट और ईटन। ठीक, आर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय, देगा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? दैम। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हाई डज सीमा नॉट डूइंग हर होमवर्क। यहां पर क्या आ गया हमारा? इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप, यानी कि डबल इंटरोगेटिव। डर गए, डरना मना है। यहां पर क्या है हमारा? जो डबल इंटरोगेटिव होता है उसमें भी क्या होता है हमारा? हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। सिंपल, अभी बनाते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा वाई, उसके बाद क्या है? हर होमवर्क। तो क्या हो जाएगा? वाई इज हर होमवर्क। अब पहले क्या आएगा यहां पर? क्या है? नॉट। तो पहले नॉट आएगा या बींग आएगा? याद कीजिए, नेगेटिव। उसमें क्या था? पहले हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर, फिर नॉट था और फिर बींग था। तो इसी तरीके से क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद में पहले नॉट आएगा यहां पर, फिर बींग आएगा। तो क्या हो जाएगा? Why is her homework not being? Do की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Done by Seema. Clear? कुछ words हमारी ऐसे होते हैं जो हमारी helping verb भी होती है और हमारी main verb भी होती है। जैसे do हो गया, have हो गया, ये दोनों क्या होते हैं? हमारे main verb भी होती है और helping verb भी होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है मेन वर्ब? डू, डिड, डन। और हैव की क्या होती है? हैव, हैड, हैड। क्लियर? हमारा जो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हमारी वैसे पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब कुछ आता है। वैसे तो ये सब एक रट्टे वाली बात है और मुझे पता है आप लोग रटते नहीं है, चीजों को समझते हैं। समझा कैसे जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है जो काम हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम स्ट्रक्चर्स पर। एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं आप लोगों को अच्छे से आते ही हैं, टेंसेस में हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा नॉर्मल वही होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? हैज हैव। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा पैसिव वॉइस होता है ना, उसमें जो जितने भी हमारे परफेक्ट बनते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, बहुत इजीली बन जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे जो परफेक्ट टेंस होते हैं ना, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ऑलरेडी दी हुई होती है। ठीक है, और हमें पैसिव में क्या करना होता है? पैसिव में भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। अब शुरू करते हैं। देखिए, हमारा एक्टिव क्या था? एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज हैव। यहां पर क्या आ जाएगा? बीन। जिस तरीके से हमने पहचानने के लिए क्या यूज किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? बींग। उसी तरीके से यहां पर क्या आ गया? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ठीक, नेगेटिव का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पहले, हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, नॉट
बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। और अगर डबल इंटरोगेटिव होगा तो क्या होगा, तो भी हमें डरने की जरूरत है क्या? नहीं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में हमारा हैज हैव और फिर पूरा स्ट्रक्चर सेम। सेंटेंस से समझते हैं, राम हैज टॉट मी। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का सब्जेक्टिव केस क्या था हमारा? आई। आई के साथ में क्या आएगा? हैव। आई हैव, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमें ऑलरेडी गिवन है। हैव के बाद में पहले क्या आएगा? बीन। आई हैव बीन टॉट बाय राम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव नॉट डन द वर्क। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। पहले आ जाएगा द वर्क हैज नॉट बीन, थर्ड फॉर्म हमारी डन ही होगी, डन बाय यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। हैव यू नॉट स्टोलन द बैग, यहाँ पे हैव किसके लिए आया है? यू के लिए। लेकिन अब जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? द बैग। द बैग के लिए क्या आएगा? हैज। हैज द बैग बीन, यहां पर क्या है? नॉट। तो पहले क्या आ जाएगा? नॉट। हैज द बैग नॉट बीन स्टोलन बाय यू। क्लियर। अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव, व्हाई हैज रमेश नॉट सोल्ड हिज स्कूटर। पहले आ जाएगा व्हाई, स्कूटर तो एक ही है, तो यहां पर क्या आएगा? हैज। अब क्या आ जाएगा? हिज स्कूटर नॉट बीन सोल्ड बाय रमेश। क्लियर। हम लोगों का इंटरोगेटिव कंप्लीट, इवन पूरा प्रेजेंट परफेक्ट ही कंप्लीट। हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस सीख ली है, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इस टेंस के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के मिक्स सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, मिक्स सेंटेंसेस देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ऊपर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं कराया, लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो स्टार्टिंग से देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा मैंने बताया था कि जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। ठीक है, मिक्स सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस है द कैट हैज किल्ड द माउस। सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना होगा कि ये कौन से टेंस में है, तभी हम उसका पैसिव बना पाएंगे। यहाँ पर क्या है? हैज, और क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन से टेंस में हैज और वर्ब, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है? वो आती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था पैसिव वॉइस के लिए। सबसे पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज हैव प्लस बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुरू करते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? द माउस। तो द माउस क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट। द माउस हैज बीन किल्ड बाय द कैट। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, इज द पियोन नॉट ओपनिंग द डोर। यहां पर क्या है? इज, और क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कौन सा टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एमआर होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। अब ये तो ठीक है, लेकिन अब ये बताइए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए क्या होती है? पैसिव वॉइस के लिए होती है इज एमआर प्लस बीइंग। वेरी गुड। तो क्या हो गया? इज द पियोन नॉट ओपनिंग द डोर। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? इज द डोर के लिए क्या आ जाएगा? इज The door not being, ठीक, opening, opening की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Opened, not being opened by the pion, clear? अब है you do not beat your servant, do किसकी होती है? Present indefinite की, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी? इज एमआर। ठीक है,
यहां पर क्या हो जाएगा, योर सर्वेंट इज नॉट, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, इज नॉट बीटन बाय यू, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई आर यू रीडिंग दिस नोवल, क्वेश्चन वर्ड है, डरना मत आए। यहां पर क्या है, आर, और क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पैसिव में, इज एम आर प्लस बींग, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई, दिस नॉवल के लिए क्या आएगा, इज दिस नॉवल, अब क्या आ जाएगा, बींग, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड बाय यू, क्लियर। वाई इज दिस नॉवल बींग रेड बाय यू। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, टीचर्स हैव प्रेज्ड हिम। यहां पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की, और थर्ड फॉर्म भी हमें गिवन है, काम आसान हो गया, थर्ड फॉर्म हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, तो क्या आ जाएगा, ही हैज बीन प्रेज्ड बाय टीचर्स। समझ में आया, हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो उनको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।